गुड इवनिंग, कैसे आप सभी लोग। 28 अप्रैल से हमारा बैच चालू होने वाला है। अगर अभी भी किसी को ज्वाइन करना है तो 7000731192 पर MD सर को कॉल लगाओ और जल्द से जल्द अपनी सीट को 2000 रुपये देकर एक बुकिंग कर लो, प्लस अपना आने का टिकट सेंड करो। और अभी 28 तारीख के लिए अभी के अभी आप ज्वाइन हो सकते हो। एक बहुत छोटा सा बैच लगा रहे हैं, उसमें आपको पढ़ने का बहुत अच्छा चांस मिलेगा। डेली CPU UMMC करेंगे, डेली 14 दिन के बाद से। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका पूरा हार्डवेयर, आपका हैंड स्किल परफेक्शन मोड पे लेके आएंगे और डेली लाइव फोन पे काम करेंगे और बहुत ही एंडलेस बोर्नियो के बाप से भी आगे बढ़कर स्कीमेटिक लेवल पे काम करवाऊंगा, मॉडिफिकेशन सिखाऊंगा और एंडलेस सर्किट बिना फोन चालू किए किस किस के IC के वोल्टेज बन सकते हैं सब आपके हाथों से बनवाऊंगा। अभी मौका चूकना मत, ये सिर्फ इस महीने के लिए बुला रहा हूं, अगले महीने के लिए बाद में कॉल करना, ठीक है। सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये है ICUN का T380 पोर्टेबल स्मार्ट फोल्डिंग स्टेशन और बिलीव मी ये इतना अच्छा है कि इसको मैं एक महीने से यूज़ कर रहा हूं, तकरीबन एक महीना हो गया होगा मुझे। और मेरे यूजेस के बाद ही मैं इसका रिव्यू वीडियो बना रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है प्योर एल्यूमिनियम अलॉय की है, जो इसका ऊपर का सेल है काफ़ी हद तक रेक्टेंगुलर और इसको एक स्मार्ट और एडवांस लुक दिया है। ICUN का यहाँ पर बैच आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। ये वाईफाई, ब्लूटूथ, एक OT अपग्रेड, Type-C, एक बैटरी चार्जेबल, जिसको हम कहते हैं रिचार्जेबल बैटरी, इसमें यूज़ की गई है जो PDO QC फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल के केस जलती है। और ये पहली मशीन मैंने अब तक देखी है जो 40 मिनट तक 400 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको विदाउट चार्जिंग अभी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक बार फुल चार्ज करने के बाद। और 2600 mAh की इसकी जो बैटरी होने वाली है। इसके अंदर 5G डुअल मोड ब्लूटूथ और वाईफाई, और जैसे कि मैंने बताया एक OTA अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा। दो हैंडल ये सपोर्ट करता है, T210 और T115। T115 काफ़ी स्लिम हैंडल होता है, वर्ड स्लिम हैंडल मैं बोल सकता हूँ उसको। उसके अलावा इसका जो टोटल वजन है वो 1.2 kg है, अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 2 kg के अंदर ये इसका वजन होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रैपिडली हीटिंग और साथ में सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर मेल्ट करने वाली है मशीन होने वाली है। तो ये एक जोरदार मशीन है, ज़बरदस्त मशीन है। इसको अगर आपने मशीन परचेस करना है तो इसको परचेस करो, क्योंकि ये T210 हैंडल को भी सपोर्ट कर रहा है और T115। और इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी हैं। चलो अब इसके डिस्प्ले पर आते हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर कितना एक छोटा सा डिस्प्ले है, पर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। सबसे पहले मॉडल नंबर T380 आपके जो RN इसके साथ में आया है, T210, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर बता रहा है कमरे का आपका 46 डिग्री सेल्सियस, प्लस चार्जिंग का स्टेटस। और यहाँ पर जो सेट है वो आपके एक्चुअली मेमोरी है कि किस पे आपने मेमोरी अभी सेट करके रखी है, M1 है, M2 है या M3 है। मैं तीनों मेमोरी को आपको चेंज करके मैन्युअली भी बताऊँगा। ये स्लीप मोड का साइन है कि अभी आपकी मशीन स्लीप मोड पे है, और 0% मतलब अभी आपकी मशीन बिल्कुल भी कोई भी पावर नहीं ले रही है। तो जैसे अब हम हैंडल हटाते हैं या किसी चीज़ को ऑन करते हैं तो ये मशीन पावर लेने लग जाती है। तो ये आप आगे जाके इसको देखेंगे तो 3 बटन यहाँ पे दिए हुए हैं, अप, डाउन और बीच में आपको मेन्यू। तो अगर आप बीच वाले को दबाते हो तो देखो ये यहाँ पर आपको मेमोरी दिखाई देती है। जैसे ये M2 है, ये 350 पर सेट है, ये M3 है, ये 400 पर सेट है, ठीक है। ये आपकी मेमोरी है जो आप अपने हिसाब से 3 मेमोरी इसके अंदर सेव करके रख सकते हो। कंपनी अब बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी भी तो देती है, साथ में खुद से भी आप इसको सेव कर सकते हो। ये M1 है, इस तरह से आप इसको मेमोरी को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जैसे हैंडल उठाया तो 17% ये इसका पावर है एक्चुअल में। जैसे जैसे हैंडल पावर लेगा यहाँ पर आपको एक बार के थ्रू परसेंटेज दिखाएगा। आप जैसे कि देखो अभी मैं एक शोल्डर को मेल्ट करके आपके सामने आपको दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा कि जैसे ये शोल्डर को देखो धीरे धीरे जैसे मैं मेल्ट करता जाऊँगा ये पावर को बढ़ाता जाएगा। जबकि क्योंकि जितना ये पावर लेगा मशीन से उतना ये पावर आपको यहाँ पर दिखाएगा, जो कि काफ़ी एक एडवांस फील है। आप देख सकते हो कि कितने पल भर 1 सेकेंड के अंदर ये मेल्ट हो जा रही है,
तो हीटिंग आप, और फिर भी मैंने देखिए 350 पे रखा है, कोई 400 पे नहीं रखा, कोई 500 पे नहीं रखा। चलिए तो अब हम इसके मेन्यू की बात करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू पे आ जाएगा। यहाँ पर चाइनीज़ है, सबसे पहले मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है। तो यहाँ पर आपने बीच वाला बटन ही दबाना है, वो इस तरह से इसका मेन्यू है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश दबाने के लिए, तो एक और आपका यहाँ पर अप है, एक और आपका डाउन है, तो आपने दोनों में से एक को दबा के, पहले तो देखो शुरू में कन्फ्यूज़न होगा तो दबा के देख लेना, तो आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप देखेंगे, देखिए जैसे इसको अब मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर डाउन यस बैक जो दिखाई दे रहा है, ये तीनों मेन्यू की सेटिंग है। तो बीच वाला यस है, इधर वाला बैक है, उधर वाला डाउन है। तो इस तरह से आप इसको लैंग्वेज को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड साउंड का आ रहा है, यहाँ से आप साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप चाहें तो जो बीप मोड आती है जिसमें या अलार्म मोड देता है, अलग अलग ये मोड है। इसके अलावा आप इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे तो यूनिट है, यूनिट से आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको मेजरमेंट के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ हम सेल्सियस में यूज़ करते हैं तो हम इसको सेल्सियस में रखते हैं। ठीक है, सेल्सियस में बदलने के लिए मुझे बीच वाले को ही प्रेस करना पड़ेगा, जो देखिए, और फिर बैक करना पड़ेगा। बस आपको प्रेस करना है और बैक करना है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब आपको बैक करना है, इधर से बैक होगा। ठीक है, अब और हम जाएंगे तो उसके नीचे रिसेट है, तो रिसेट का बटन दबाने से ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के फैक्ट्री टाइम पे आ जाती है। ठीक है, जो भी आपने सेव किया होगी मेमोरी वो आपकी सारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बार रिसेट करके दिखा देता हूँ। यस करूँगा और सिर्फ बीच वाला बटन दबाऊंगा तो आपकी मशीन रिसेट होगी कुछ ही सेकंड के अंदर। अब आपको फिर से इसको ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए अब इसको ऑन कर रहे हैं, तो ये जो कंपनी के पहले प्री सेट, जैसे प्री सेट जो था इसका पहले से बाय डिफ़ॉल्ट, वो पहले से सेट हो चुका है। देखिए फिर से चाइनीज़ हो गई है, अब हमें इसको इंग्लिश करना है। तो बीच वाले का, बीच वाला जो जीरो दिया होगा यहाँ पे, उसको दो बार दबाइएगा तो इंग्लिश हो जाएगा आपको। ठीक है, इसको फिर से दबाइएगा और बैक कर दीजिएगा डाउन से। तो अब यूनिट के बाद रीसेट, फिर टाइम, टाइम में आप देख सकते हैं कि दो टाइम है, एक बूट टाइम है जब आप फर्स्ट टाइम इसको बूट करेंगे, और एक जो अब तक मैन्युफैक्चरिंग से अब तक ये कितना चल चुका है तो ये भी आपको बता रहा है। जैसे मेरा 169 आवर, 22 घंटे तकरीबन ये चल चुका है, मतलब लगभग ये बोल सकते हैं कि 170 घंटे लगभग ये चल चुका है। इसके बाद सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, जो कि वर्जन यहाँ पे V1 है, मॉडल T380, और डेट या मैन्युफैक्चरिंग की दी होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, या फिर जो इसका आउटपुट डेट है, जो फर्स्ट टाइम इसको यूजेस में है तब की डेट होगी, क्योंकि आज की डेट तो लग नहीं रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मैनुअल सेट करेंगे अपनी मेमोरी को। तो मैनुअल सेट करने के लिए आपको करना क्या है, पहले आपने M1, M2, M3 किसी में भी आप चले जाना है। तो सपोज़ मुझे M1 को सेट करना है या M2 को सेट करना है, जो भी आपने, जिसको भी आपको सेट करना है। सपोज़ मुझे M1 को सेट करना है तो सबसे पहले यहाँ से मुझे हीटिंग बनानी है। ठीक है, कितना मुझे टेम्परेचर रखना है, तो देखिए ये पहले 280 था, मैंने 325 किया। अब मैंने अप एंड डाउन को साइमल्टेनियसली एक बार आपको प्रेस करना है, एक साथ मतलब आपको दोनों बटन को प्रेस करना है तो वो सेव टू हो जाएगी। तो आप देख सकते हो M1 पे आप 325 आ चुकी है, M2 पे आप देखिए 350 है, जो कि मेरे हिसाब से सही है, और M3 आई गेस मैंने 430 कर दिया इसको, तो आप देखिए ये 430 पे सेट हो चुकी है। तो इसको सेट करना काफ़ी आसान है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, ये निडल के साइज़ के हिसाब से, अगर आपके हाथ में पॉइंट निडल है तो आपने पॉइंट निडल पे रखना है, कर्व निडल है तो कर्व पे रखना है, डायरेक्ट थोड़ी बड़ी है तो बड़ी पे रखना है। तो ये निडल को निकालने के लिए, क्योंकि आपकी निडल गर्म होती है ना, तो आप उसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको रखना है और सिर्फ आपको पीछे की ओर खींचना है, तो ये आपकी निडल ईजिली निकल जाएगी। इसको मैं एक दो बार करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि डायरेक्शन करना कैसे है। यहाँ से आप लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, तो आपको मशीन बार बार बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ निकालना है, लगाना है, और ये साइज़ के हिसाब से है। तो जो आपकी नाइफ निडल है उसको आपको इसी होल में डालना है, जिस होल में मैंने आपको दिखा रहा हूँ, जिस शेप में मैं आपको दिखा रहा हूँ,
आपको यहाँ पर डालना है सिर्फ, और खींचना है ये निकल जाएगी, ठीक है, दिख रहा है आपको कितना आसान है, और सिर्फ लगाना है और ये आपकी फिर से ओके हो जाएगी। और जो पीछे आप इसका देख रहे हैं ये वही निडल रखने के लिए जगह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक निडल निकाली, निडल निकाल के आप इसको, जैसे आपके पास दो निडल है तीन निडल है तो आप इसको निकाल कर पीछे रख सकते हैं। अभी फिलहाल निडल गर्म होगी तो मैं हाथ से पकड़ूंगा नहीं इसको। अच्छे ये आपके बिट क्लीनर की तरह काम करता है, आपने इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल सकते हैं इसको फुलाने के लिए, फिर इसके बाद आपकी जो बिट है वो ईजिली क्लीन हो जाएगी। तो बिट क्लीन होने के बाद में काम करने जो उसके ऊपर कार्बन जम जाता है उसको क्लीन करने के लिए बेसिकली बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ऐसे में आपकी जो बिट होती है काफ़ी महंगी होती है और ये बहुत जल्द ख़राब हो सकती है। आप कार्बन को क्लीन करेंगे तो ऐसे में आपकी पीसीबी सोल्डरिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो ये भी आपके लिए दी हुई है। जनरली अलग से बिट क्लीनर भी आता है पर वो आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी बिट को क्लीन कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है बैटरी ऑपरेटेड है, आपने अलग से इसको पावर देने की ज़रूरत नहीं है। पीछे आप इसको देख सकते हैं कि टाइप सी आपको दिख रहा होगा जिससे हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं, और इसके पीछे इसकी बैटरी दिख रही होगी जिसको आप निकाल के दूसरी नई भी लगा सकते हैं ये ख़राब होने के बाद। कंप्यूटर के साथ में पीछे जो टाइप सी का केबल आप यूज़ करके कंप्यूटर में यूएसबी ए पोर्ट लगा के और इसके पीछे जो टाइप सी यूज़ करके आप अपने इसके सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में इसमें कुछ भी नहीं है, आप सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे मतलब सिर्फ कनेक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, आईसीयू का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और स्टार्ट अपग्रेडिंग में क्लिक करेंगे तो ये आपका अपग्रेड होना भी चालू हो जाएगा। और ये अपग्रेड आपके पल भर में हो जाएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर इसमें बहुत छोटा है और सिर्फ आपको इसमें अपग्रेड करने का ही ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए हम इस मशीन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने जो टेम्परेचर है वो 430 पे यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि रजिस्टर SMD के बिना नॉर्मल RN से भी लग गया है। देखिए कितने आराम से ये वायर इसको चला रहा है, क्योंकि अभी टेम्परेचर थोड़ा ऐसे है 430, हम जैसे ये 360 या 370 पे इसको यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से सोल्डिंग हो रही है, और इसका जो हैंडल है काफ़ी लाइट वेट है। ये एक बेस्ट मशीन है।